ऊपर लेफ्ट और राइट साइड पर दरवाजे हैं, आपका फेवरेट मीम कौन सा सॉन्ग में से है? एक वो फ्रूट चाट वाला बहुत अच्छा था, लेकिन वो फ्रूट चाट से पहले IJP रोड थी जो कि जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि वो पिंडी की रोड है और हम वहाँ पे गए हुए हैं, हमें आइडिया है कि वहाँ वही हाल हो जाता है जो मीम ने दिखाया है। तो आई गेस वो एक तस्वीर जिसको फिर बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है, वो मेरा फेवरेट मीम था। मुझे तो गिफ्ट करना चाहिए उनको, खरीदना अभी भी आप खरीदने की बात कर रहे हैं। Well, I have to be honest, जब मैं ये मुझे ऑफर किया था मैं बहुत डरा हुआ था, एंड यू नो कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे थे जो नहीं हुई पहले TV में, और प्लस मैं अपने आप को देख ही नहीं रहा था उस रोल में, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो 2 एपिसोड पढ़ के ना इनकार कर दिया था, मैंने कहा था ये मैं मुझे क्यों ऑफर किया जा रहा है, मैं पता नहीं कर सकूंगा, नहीं डजंट द गाय डजंट लुक लाइक मी। सो बट देन मुझे जाहिद ने और मेरे दोस्त हैं सलमान, जाहिद AD हैं जिनके शोल्डर्स पे सारा प्रोजेक्ट रहा है, और सलमान मेरे मैनेजर, उन्होंने कहा एक दफ़ा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लें प्लीज़, और ये कुछ 4 महीने बाद की बात। मैंने कहा अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर मैंने पढ़ा और फिर मेरे आंसू निकले पहली दफ़ा कुछ पढ़ के, और मैंने ऐसे कनेक्ट किया उस कैरेक्टर से कि जो उसका शक्ल सूरत है वो सेकेंडरी भी नहीं, वो टर्शरी चीज़ बन गई थी, उसके अंदर का इंसान से मैंने इतना कनेक्ट किया, इतना रिलेट किया कि आई हैड टू डू दिस। एंड फिर भी मैंने फिर भी मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, बट आई हैव टू से आप ममना भाभी, आपने यू believed in me and you pushed me to do it, so thank you for that. Mere liye you know it has turned out to be quite metaphysical, bahut si aisi cheeze hui hain uski zindagi mein jo meri zindagi mein hui hain, so I'm very grateful. And jahan tak hamari audiences ki baat hai, I'm actually proud of the viewership, sare jo log hain jinhone aisi story aise character ko accept kiya hai, ye aap logon ki jeet hai ye. And now, in hindsight, I am so glad I did it. So thank you to all those people who pushed me, who believed in me, because I never believed in myself. So thank you. Yeah. Ahmed Ali sir, you have been very successful. How has this impacted Ahmed Ali Akbar's life? आपको मैं देखा था, आप आए हैं, आपको अंदर लाना मुश्किल हो गया था. Audiences का क्या reaction होता है when they see you? क्या impact है? Yeah, it's surreal. अभी तक sink in नहीं हुआ. और मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं निकलता घर से, तो मुझे पता भी नहीं चलता, बट जब भी निकलता हूँ मुझे जो प्यार और मोहब्बत मिलती है, एंड आई हैव टू से मैं जितने भी, क्योंकि मैं अपने सारे मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सारे DM, सारे इंस्टाग्राम, हर जगह जितनी दुआएं मिली हैं ना मुझे, ये उसी का असर है. एंड जितनी दुआएँ परिजात को मिली हैं और मुझे मिली हैं, ये उसका असर है. आई हैव टू से सरियल, इट्स मेटाफिजिकल. ये स्क्रीन से बाहर निकल के मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इतने अजीब तरीके से कि आई थिंक जितना मैंने पहले कनेक्ट किया था परिजात से, मैं आज उससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड इट्स फिनोमिनल. एंड आई हैव टू से द लव एंड द सपोर्ट इज़ ओवरवेलमिंग. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. Thank you so much, you guys, for joining us tonight. I want you guys to give a huge round of applause to them. Tumhare jaas ki taraf aap kya kehna chahenge is bare mein? Sabse pehli baat to ye hai ki is drama ne ye prove kiya hai ki khoobsurat hona zaruri nahi hai hero ke liye. बच्चा खूबसूरत आदमी जो गेटअप किया हुआ है, और एक गरीब का ख्वाब, अभी मैं और वही सैफ डिस्कस कर रहे थे कि एक गरीब का ख्वाब यही होता है कि वो आसमानों को छुए. सो ही प्रूव्ड इट एंड माशाल्लाह ही डिड अ वंडरफुल जॉब एंड कंग्रेचुलेशन, इसकी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और बहुत अच्छा काम किया. टैलेंट ऑलवेज विंस. सवाल क्या था आपका?
आप अपना जवाब दीजिए। जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक मजबूत पर्सनालिटी होना तो फिर पूरी टीम आगे बहुत अच्छा काम करती है, और कभी भी कोई प्रोजेक्ट किसी एक आदमी की सक्सेस की वजह से नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ टीम विच मेक्स अ डिफरेंस, एंड आई थिंक शहजाद, नदीम साहब, ऑल ऑफ अस, वी वर्क एज अ टीम, और हम ने मेरे ख्याल में स्क्रीन पे प्रूफ भी किया है कि इट वाज अ वंडरफुल सीरियल। आपका हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट होता है, मुझे तो जो कहा जाता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से वो मैं कर देता हूँ, और ईमानदारी से करता हूँ तो शायद अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर किया जाता, ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जिसकी वजह से कैरेक्टर में नहीं करती। शहजाद कश्मीरी अहमद के साथ हमेशा से काम करने का मुझे शौक था, मुझे कोई भी ड्रामा ऑफर होता था मैं कहती थी प्लीज़ अहमद को मेरे साथ कास्ट कर, जो डिटेल काम वो करता है वो बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे पास जो कर सकते हैं, और आज मैं आई भी अहमद के लिए बहुत लगी ये पगली, बस एक अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए मैंने चूज किया। थैंक यू सो मच अबू। टू मूविंग फर्दर मिस्टर काश, मिस्टर शहजाद कश्मीरी साहब, सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक स्क्रिप्ट आया, सबसे पहला वो कौन सा कैरेक्टर था जिसके लिए आपने कास्टिंग कर ली थी? कास्टिंग सबसे पहले तो मेरे पास मैं एक स्टोर में गई, मैंने मास्क पहना था ऑब्वियसली, और पीछे मेरे किसी मैंने एक एड अभी रिसेंटली प्रोडक्ट का किया तो उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई थी एक और हीरो के साथ, और जब मैं अपना सामान ले रही तो लोग पसीने लेने आगे मैंने मास्क पहना हुआ था, सो आई फिगर्ड कि उन्होंने मुझे देखा, मेरी तस्वीर देखी और कहा कि दे रिकॉग्नाइज मी, तो किसी ने कहा परीजात में है ना, मैंने कहा अच्छा आपने परीजात से पहचान लिया, मैं तो समझी आपने इनसे नहीं नहीं बोशना शाह आप परीजात हैं, सो आई एम नॉट इवन, मैं अपने साथ भी आइडेंटिफाई नहीं करती, अब इतना ही अलग एंटिटी और उसको लोग जानते हैं और उशना शाह कोई और है। अपनी प्रोडक्शन टीम के ऊपर, अपने प्रोडक्शन हाउस के ऊपर, और मेरा ट्रस्ट, मेरी स्क्रिप्ट की चॉइस हमेशा मोमना भाभी ने शायद की है, और जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया तो मेरे लिए शायद पूरा स्क्रिप्ट ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, कोई ख़ास एक करेक्टर तो नहीं। जैसा जब आपको स्क्रिप्ट मिला परिजात सुन के, जैसा आपने तसव्वुर किया था परिजात को, क्या ऑडियंसेस को भी वैसा ही परिजात देखने को मिला? ये तो ऑडियंस ही बेहतर बता सकती हैं, और यकीनन परिजात फौज में बच्चा आगे कर रहा हूं जी। उष्णा आपसे जब बहुत से लोग मिले के पीछे छोड़, किसी ड्रामे ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन परीजात के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि परीजात किस तरह से अनयूजुअल ड्रामा था, थोड़ा सा चैलेंज हो गया था परीजात। इस तरह के जो प्लेज हैं, मैं समझती हूं कि परीजात की जो कामयाबी है वो हमारी ऑडियंसेस की कामयाबी है, हमारी पूरी इंडस्ट्री की कामयाबी है, क्योंकि हमारे पास हमारी इंडस्ट्री ने जनरली जो लोग समझना शुरू हो गए हमारी ऑडियंसेस को कि हमारी ऑडियंसेस एक सर्टन तरीके का ड्रामा ही है जो देखना चाहती हैं, और इंटेलिजेंट चीज़ें हमारी ऑडियंसेस को ना दिखाई जाएं क्योंकि ना वो अप्रिशिएट होंगी, ना उनकी रेटिंग्स आएंगी और ना वो पब्लिक में चलेंगी, तो परीजात ने इन सारी बातों को ख़त्म कर दिया है इन अ वे, सो ये सबसे बड़ी कामयाबी है परीजात की, और हम लोग एक छोटा सा आप समझ लें पार्ट है इस कामयाबी का हिस्सा बने हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि मेन जो चीज़ अगर परीजात से मतलब मैं उसको कामयाब मानूंगी और कहूंगी कि परीजात ने पीछे सब तमाम ड्रामों को छोड़ दिया, अगर इसके बाद डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज और चैनल्स परीजात की किस्म के नैरेटिव्स को अटेम्प्ट करने की हिम्मत करेंगे तो देन आई वुड से कि परीजात हैज़
यू नो चेंज्ड द इंडस्ट्री. तो जब ये स्क्रिप्ट आया, इंटरेस्टिंगली यू नो काफ़ी लोग बैठते हैं जब भी किसी एक स्क्रिप्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर स्क्रिप्ट इस किस्म का हो जिसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो, तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स को बहुत स्क्रूटनी से देखा जाता है कि क्या इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या वो इतना मतलब मैसेज में क्या वो रेटिंग ले सकेंगे. तो परीजाद का जब स्क्रिप्ट आया तो बड़ी बहुत मिक्स्ड उसके बारे में ओपिनियन थी.